देखो कि फॉलोइंग थिंग्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इनपुट हम इनपुट देते हैं, वहां से आउटपुट जनरेट होती है। जैसा कि वो हमें कह रहा है कि हम इनपुट देते हैं शुगर केन को, और वहां से हम क्या जनरेट कर लेते हैं, उसका पल्प और हस्क निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आउटपुट होती है। ठीक है। अच्छा जी, बाज़ औक़ात उसमें से जो हमारी इनपुट होती है उसमें से एक ही चीज़ निकलती है आउटपुट के तौर पे, और बाज़ औक़ात जॉइंट प्रोडक्ट्स निकलती हैं, जैसे ऑयल में से नंबर ऑफ आइटम्स निकलते हैं ना। इसी तरह आपने गंदम देखी होगी, गंदम में से सूजी अलग हो जाती है, फिर वो मैदा अलग कर लेते हैं, फिर वो बाकी जो बचता है उसको अलग कर लेते हैं। ये उसने हमें एक लेमैन एग्जांपल दी है। जॉइंट रिकॉर्डिंग याद है, हाँ लगी लगी हुई है, हमें लगी हुई है। जॉइंट है। प्रोडक्ट ए बी और सी हमें बताई गई हैं, और बाय प्रोडक्ट, ठीक है, बाय प्रोडक्ट रिक्वायर्ड फर्दर प्रोसेसिंग। देखो हमें जो जॉइंट प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें अलग अलग मटेरियल लेबर एफ ओ एच हमें पता होता है कि ये हमारा ए पे लगा है, ये बी पे लगा है, ये सी पे लगा है, इतना मटेरियल लेबर और एफ ओ एच लगा है। लेकिन जो हमारी बाय प्रोडक्ट्स होती है ना, बाय प्रोडक्ट्स क्या होती हैं आमिर, जो एक्सीडेंटली जनरेट हो जाती हैं, जो कि जब हम इनपुट डालते हैं ना और आउटपुट निकालते हैं। जिस तरह जब पेट्रोल को रिफाइन कर रहे होते हैं तो उसमें एलएनजी जो गैस होती है वो बाय निकल प्रोडक्ट के तौर पे आती है निकलती वो हमारी। अच्छा, वो जो बाय प्रोडक्ट है। होती है उस पे हम फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो उसको हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो उसको फिर फर्दर उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, पैकिंग, उसकी रिफाइनिंग, बहुत सारे मामले होते हैं। तो वो हमें कहते हैं फॉर बाय प्रोडक्ट बेस ऑफ कॉस्ट एलोकेशन इज क्वांटिटी। क्वांटिटी की बेस में हम उसको एलोकेशन कर सकते हैं एक्सपेंसेस की, सेलिंग प्राइस की बेस पे, या हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू। ये हम हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू हम खुद से सपोज करते हैं और उसकी बेस पे उसको कर देते हैं। वैल्यूइंग बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट, यानी हम वैल्यू इनकी कैसे निकालेंगे कि ये हैं कितनी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल, आइदर ऑफ द फॉलोइंग मॉडल कैन बी अडॉप्टेड व्हेन वैल्यूइंग बाय प्रोडक्ट। द प्रोसेस फॉर द सेलिंग ऑफ द बाय प्रोडक्ट मे बी ट्रीटेड एज अ प्योर प्रॉफिट। सॉरी, द प्रोसीड फ्रॉम द सेल, द प्रोसीड फ्रॉम द सेल लेस एनी हैंडलिंग एक्सपेंसेस मे बी अप्लाइड इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट। यार वो कहता है कि हमने जब भी बाय प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है, एक तरीका तो ये है कि प्रोड्यूस फ्रॉम द सेल, जो हमें सेल से पैसे आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम सारे के सारे को प्रॉफिट कह दें। ठीक है, हम बाय प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकालें, हम बाय प्रोडक्ट को बेचें और उससे जो हमें क्या मिले, प्रॉफिट मिले, उस सारे के सारे प्रॉफिट को हम उसकी बाय प्रोडक्ट की वैल्यू बना दें। या हम क्या करें कि हम जो हमारी बाय प्रोडक्ट है उसको हम बेचें, उस पे हमारे जितने एक्सपेंसेस लगे हैं उन एक्सपेंसेस को भी काउंट करें, हम उन एक्सपेंसेस को भी काउंट करें, और उन एक्सपेंसेस की बेस पे जो बाकी बचेगा उसको हम उसकी वैल्यू में का वैल्यू बनाएं। हामिद समझ आया, यानी जितने की वो बिकी उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करें और जो बचे उसको हम उसकी वैल्यू बना दें। ठीक है, इफ अ बाय प्रोडक्ट लेकिन इज इसके अंदर लेबर नहीं लेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, जो उसको बाय तो प्रोडक्ट रिफाइनिंग के लिए लगा था वो, लेकिन उसको प्राइमरी जो लेबर थी ना वो नहीं यूज करेंगे। नहीं, यहाँ पे एनी है हैंडलिंग एक्सपेंसेस, उसमें लेबर भी आ सकती है हमें। अच्छा, इफ एनी इफ अ बाय प्रोडक्ट नीड फर्दर प्रोसेसिंग टू इम्प्रूव, सच कॉस्ट विल बी डिडक्टेड अराइविंग एट द नेट रेवेन्यू। उसको भी माइनस करेंगे, अगर कोई मार्केटिंग कॉस्ट है तो उसको भी माइनस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अकाउंटिंग फॉर द, अब वो ये तो हो गई ना इसकी बात, अब वो हमें कह रहा है कि आप जॉइंट प्रोडक्ट को कैसे करेंगे। जॉइंट प्रोडक्ट आर बाय डेफिनेशन सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल अकाउंटिंग प्रोसीजर। जॉइंट कॉस्ट में बी रिक्वायर्ड अप्रोप्रिएशनमेंट। अप्रोप्रिएशनमेंट होता है डिवाइड करना। जो हमारी जॉइंट कॉस्ट होती हैं उसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है कि किस किसकी कितनी कॉस्ट है, किसकी कितनी कॉस्ट है। ठीक हो गया।
और उसके बाद सो सम जॉइंट कॉस्ट आर नॉट इनकर्ड स्ट्रिक्टली इक्वली फॉर ऑल. वो कहता है जॉइंट कॉस्ट जरूरी नहीं है क्या सारी प्रोडक्ट्स पे इक्वल लगी हो, डिफरेंट भी हो सकती है. सो कॉस्ट कैन बी सेपरेटेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी इन फैक्टर्स की बेस पे हम उनको अलग अलग करेंगे. मार्केट वैल्यू, द इफेक्ट टू ईच प्रोडक्ट अपीयर द इक्वल प्रॉफिटेबिलिटी वेयर द सर्टन प्रोडक्ट आर प्रोसीड एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, फर्दर प्रोसेसिंग मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द मार्केट. यार हामिद ओके ये कहना चाह रहा है कि जिसकी जितनी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी ना उसकी अप्रोप्रिएशनमेंट भी उतनी ज़्यादा होगी. ठीक हो गया. टेक्निकल एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव यूज ऑफ कॉमन सोर्सेज, हम टेक्निकली भी देख सकते हैं कि जिस चीज़ को जितनी ज़्यादा टेक्निकली ज़रूरत है ना प्रोसेसिंग की, ठीक है, आर्बिट्रेरी कैलकुलेशन एंड प्रोडक्ट कॉस्ट विच इंक्लूड अप्रोप्रिएशन कैन बी मिसलीडिंग. वो कह रहा है कि हम जो आर्बिट्रेरी कर रहे होते हैं ना, यानी तुक्के की बेस पे हम कर रहे होते हैं इसकी क्या एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, एफर्ट एस्टिमेशन करते हैं, वो गलत भी हो सकती हैं. लेकिन एस्टिमेशन जो ये जो बेसिकली असल में ये जब भी रियल लाइफ में चल रहा होता है तो हमेशा ही रिप्लाई करते हैं एस्टिमेशन पे. किसी के पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो रियल एफर्ट निकाले और रियल को कॉस्ट करे. हमारे ऑफिस में इधर हर एस्टिमेट भी चलती कहानी सारी. हो ही नहीं सकता. अच्छा या कुछ वो कॉमन कॉस्ट प्रॉब्लम्स कह रहा है कि इवन इफ वी केयरफुल टेक्निकल एस्टिमेट, ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाएंगी. हेयर आर एग्जांपल ऑफ द डिसीजन इन्वॉल्व जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है. अच्छा जब आप वो कैलकुलेशन देखें, आपकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं हो सकती. व्हेन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू असिस्ट द डिसीजन मेकिंग द कॉस्ट अकाउंटेड विल एम्फसाइज द कॉस्ट रेवेन्यू डिफरेंस अराइजेस फ्रॉम द डिसीजन. वो कहता है कि हमारे वो जितना डिफरेंस आया है ना एस्टिमेशन में, हम उनको ज़रा कॉस्ट अकाउंटेंट उनको देखेंगे कि यार इतना जो डिफरेंस आया है क्यों आया है. हेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ डिसीजन इन्वॉल्व जॉइंट प्रोडक्ट, विदड्रॉ और एडिंग अ प्रोडक्ट. देखो जॉइंट प्रोडक्ट में क्या होता है, या तो हम किसी प्रोडक्ट को ऐड कर रहे होते हैं या विदड्रॉ कर रहे होते हैं. अच्छा स्पेशल प्राइसिंग, जॉइंट प्रोडक्ट में हम जो चीज़ें ज़्यादा प्रॉफिट प्रोड्यूस करते हैं उनसे स्पेशल प्राइसिंग उनकी, और या जिनकी चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होती है उनकी स्पेशल प्राइसिंग रख लेते हैं. और लास्ट पे हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, जिन चीज़ों की फर्दर प्रोसेसिंग होनी होती है उनकी भी कॉस्ट एस्टिमेशन में प्रॉब्लम आते रहते हैं. अच्छा अब ये जब हम नीचे वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा. हामिद वो हमें कह रहे हैं कि फ्रेश मिल्क है, उसमें से हमने क्रीम, बटर, घी, योगर्ट और मिसलिनियस. अच्छा वो कहता है जी ये जो हमारा मिल्क है ना इस पे हमारी कॉस्ट आई हुई है इतनी, ठीक है. अब आप खुद सोचो कि अगर हम इसकी अप्रोप्रिएशनमेंट करें तो हम क्या करेंगे, ये टोटल लीटर्स पे डिवाइड करेंगे इसको. स्किम मिल्क के लिए हम इसको स्किम मिल्क से मल्टीप्लाई, इसको निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई, इसको निकालने के लिए हम इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको निकालने के लिए हम इसको इससे इस, तो ये उसकी अप्रोप्रिएशनमेंट हो जाएगी. यानी जो हमारा इस पर कॉस्ट आई है उसकी अप्रोप्रिएशनमेंट हो गई, उसको हमने डिवाइड कर दिया, उसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ दीज लीटर्स. तो इसको हमें हम अप्रोप्रिएशन कॉस्ट अप्रोप्रिएशनमेंट बोलते हैं. अब ये देखो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक जो है ना डिपार्टमेंट उसने इतनी कॉस्ट इनकर्ड की है और उसने ड्रम स्टिक्स, ब्रेस्ट विंग्स और मिसलिनियस ग्राम, ठीक है. अच्छा तो अब वो कहता है कि जनाब 20,000 के जो है ना ड्रम स्टिक हैं हमारे पास 20,000, तो ये उसकी कॉस्ट आ जाएगी और ये दूसरे जो ब्रेस्ट पीसेज हैं उनकी इतनी आ जाएगी. ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा आमिर, ये सारा क्वेश्चन है आमिर जी, ये क्वेश्चन. अच्छा अब हमने इसकी करनी है अप्रोप्रिएशनमेंट. अच्छा अब हम इसकी अप्रोप्रिएशनमेंट कैसे करेंगे इस कॉस्ट की,
हमने ये 70,000 लिखा, तीन चार दफ़ा लिख लिया। अच्छा ड्रम स्टिक कितनी है? 80,000। तो सॉरी इन सबको ऐड करो ना पहले, तो सबको ऐड करो जी आज। तो हमने इस पे सबको डिवाइड कर लिया और अलग अलग जो 80, 60 और 18 और 8 तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया। यार ये सिंपल पता है क्या है, जो रेशियो नहीं होती अरिथमेटिक, नहीं इसमें मुझे समझ नहीं आई कि 70,000 का क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। 70,000 कॉस्ट है, 70,000 कॉस्ट है जिसको हमने इसकी बेस पे डिवाइड किया। 70,000 कॉस्ट है जिसको हमने इसकी बेस पे क्या किया है, डिवाइड किया। अमित 70,000 कॉस्ट है जिसको हमने ये जो हमारी लेकिन 70,000 इनके अलावा, मैं अहमद आपको कह रहा हूँ कि 70,000 रुपया है और आप चार लोगों में तकसीम करो, ठीक है। एक बंदे का नाम डी है, उसकी उसकी रेशियो है 8, और एक बंदे का नाम है बी, उसकी रेशियो है 6, एक बंदा है डब्ल्यू, उसकी रेशियो है 1.8, और एक बंदा है मिसलिनियस एम, उसकी रेशियो है 0.8। तो अब आप इसको क्या करोगे, आप इसका सम ऑफ रेशियो करोगे, सम ऑफ रेशियो को क्या कर दोगे इस 70,000 पे डिवाइड, और हर रेशियो से क्या करते जाओगे मल्टीप्लाई, जिस तरह सिंपल रेशियो के क्वेश्चंस होते हैं, रेशियो के क्वेश्चन। अच्छा समझ आ गया, ये जो 70,000 ये कॉस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई। इसमें दो कॉस्ट एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एक है 4 रुपीज पर ग्राम ड्रमस्टिक का और एक है ओवरऑल। ना हामिद इसको पहले डिलीट कर दो, आप सिर्फ इसको देखो, हमने 70,000 कॉस्ट को इन रेशियोज की बेस पे डिवाइड करने हैं, बस सिंपल टर्म में। अच्छा। सिंपल टर्म्स क्या हैं कि हमने क्या करना है, हमने 70,000 को 80, 60, 18 और 8,000 की बेस पे क्या करना है, डिवाइड करना है। कहते हो तो यार मैं करवाता हूँ फिर। क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी ए बी सी प्रोड्यूस क्यू ओ पी क्यू। अच्छा जी, और उसके बाद इन्होंने ओ पी क्यू प्रोड्यूस किया और मटेरियल इनका इतना लगा है इस पे, और लेबर इतना लगा है, और FOH इतना लगा है, और मिल के इनकी कॉस्ट इतनी आई। अच्छा इसमें आउटपुट क्या है, जो ओ है वो कितनी आउटपुट है उसकी 500 kg, और जो पी है उसकी 300, और इसकी कितनी है 200 kg आउटपुट है। तो अब हमें हम क्या करेंगे यार हम सिंपल पता है क्या करेंगे, हम लेंगे ये देखो, हमने लेबर कॉस्ट ली, एक मिनट, हमने पी को लिया ठीक है, पी को लेके हमने पी की लेबर कॉस्ट कैसे निकाली, ये क्या निकली है हमारी, पी की लेबर कॉस्ट हमारी 6,000। अच्छा और इसकी पर यूनिट हमारे पास कितनी निकली, वो निकली 20, ठीक है। यार देखो ना, अगर इसकी 20 है, इसकी अगर हमारे पास क्या है 20 है, तो इधर भी तो 20 ही आएगी ना हमें। अच्छा अब एक मिनट ठहरना, अब इसका FOH कितने हामिद, और यार ये सारा क्वेश्चन है। सोल्यूशन तो यहाँ से शुरू हो रहा है। अच्छा एक मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा ये फिर उधर चला गया जनाब, क्वांटिटी शेड्यूल, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, कॉस्ट एलोकेशन, ये फिर 22 लेक्चर में चला गया, 21 और 22 में चला गया। हामिद इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नहीं आएगा आपके पेपर, इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन यार वो दे ही नहीं सकता,
नहीं सकता फ्लोर और सोप में से ग्लिसरीन निकल आती है, ये बाय प्रोडक्ट है। मीट में से ये फैट्स निकलते हैं, फ्लोर में से ब्रेन निकलता है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, बाय प्रोडक्ट है। क्लासिफिकेशन बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, नीड फर्दर प्रोसेसिंग, नीड नो फर्दर प्रोसेसिंग। यानी या तो प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत है या प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इनकम अप्रोच और कॉस्टिंग अप्रोच। बाय प्रोडक्ट में एक इनकम अप्रोच है, वो हमने क्या बात की थी कि इनकम अप्रोच ये है कि जितने हमें पैसे उसमें से मिले बगैर डिडक्ट किए, हमने कहा जी कि ये क्या है, ये हमें इनकम हुई है बाय प्रोडक्ट से। दूसरा तरीका क्या है कि हम जितनी डिडक्शन है उसको माइनस करें और जो बाकी बचेगा उसको उसकी इनकम ट्रीट करें। कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है, हमें क्रेडिट द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट विद रिप्लेसमेंट कॉस्ट और प्री डिटरमाइंड प्राइस। जो बाय प्रोडक्ट हैं उनकी जो कॉस्टिंग अप्रोच है वो दो तरह की है, या तो आप उसकी रिप्लेसमेंट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बेस पे उसकी कॉस्टिंग करो, या उसको प्री डिटरमाइंड प्राइस या स्टैंडर्ड कॉस्ट की बेस पे उसकी कॉस्टिंग करो। जो बाय प्रोडक्ट हैं उनकी कॉस्टिंग के दो मेथड्स हैं, या तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बेस पे करो उसको, या उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट की बेस पे करो। ठीक हो गया, ये सब कुछ नहीं करना हमें, हम कल मूव करेंगे लेक्चर नंबर 27 पे इंशाल्लाह। ठीक है, और दूसरा कोई सब्जेक्ट भी साथ साथ लेते हैं, दो दो बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एक मार्केटिंग ही शुरू करते हैं हमें। ठीक है सर।